आप सब अच्छे हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट रिव्यू कर रही हूँ और मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ वो है ये एसटी बोटेनिका का विटामिन सी फेशियल सीरम। आप देख सकते हो इसे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि विटामिन सी सीरम हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। तो जिस तरीके से विटामिन सी जो है अगर हम खाते हैं, मीन्स उसे लेते हैं, तो हमारे बॉडी को जो वो बेनिफिट्स देता है, उसी तरह जब हम विटामिन सी सीरम जो है अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो वो हमारे स्किन में जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम होती है, ब्लेमिशेस हो जाता है, या फिर हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, टैनिंग होती है, तो ये सब में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमारे स्किन में बहुत ही अच्छा एक नेचुरल ग्लो आता है, हमारा स्किन बहुत ही हेल्दी दिखता है। इसलिए विटामिन सी सीरम जो है यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जब हम विटामिन सी सीरम अप्लाई करते हैं तो हमारे स्किन में कोलेजन प्रोड्यूस होता है, और वो कोलेजन जब प्रोड्यूस होता है हमारे स्किन में तो हमारा स्किन जो है बहुत ही टाइट रहता है, बहुत ही फर्म होता है, कर्ल्स और फाइन लाइंस की प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे स्किन को बहुत ही टाइट रखता है, सैगिंग नहीं होने देता। तो विटामिन सी जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। और इस सीरम में जो है ना विटामिन सी के साथ साथ आपको विटामिन ई भी मिलता है, और इसका मेन इंग्रेडिएंट्स जो है विटामिन ई एंड हाइलुरोनिक एसिड है। अब जब विटामिन सी को आप विटामिन ई के साथ यूज़ करते हो ना तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, काफ़ी क्यूट है इसकी पैकेजिंग जो है। और अब हम इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो इसका प्राइस है 1799 रुपीज़, मीन्स 1800 का है ये, बट आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पे 1400 या 1500 का मिल जाएगा। मैंने इसे अमेजन से लिया है, तो मैं इसका परचेज लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इन केस अगर आप इंटरेस्टेड होंगे सो आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपको इजीली अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात है इस प्रोडक्ट की कि ये इसमें नो मिनरल ऑयल है, नो SLES है, SLS भी नहीं है, और नो एडेड कलर है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है इस प्रोडक्ट की, और ये 100% प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। और इन्होंने डायरेक्शन भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ टू यूज़, मीन्स आपको किस तरह कैसे इसे यूज़ करना है, कितने बार यूज़ करना है, कितना ड्रॉप आपको लेना है। तो मैं आप लोगों को इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ग्लास बॉटल है इसकी, और बॉटल जो है काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हो मैंने इसे कितना ज़्यादा ख़त्म कर दिया है। इसे यूज़ करते हुए एक मंथ से ऊपर हो गया है, तो मैंने सोचा मैं इसे रिव्यू तभी करूंगी जब मुझे इसे यूज़ करते हुए एक मंथ हो जाए, ताकि मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू जो है, इसके बारे में जो है, ये किस तरह से मेरे स्किन के ऊपर काम किया, मैं लोगों को मैं अच्छे से बता पाऊँ, अच्छे से रिव्यू कर पाऊँ। सो इसे एक मंथ तो यूज़ करना बनता था, तो एक डार्क प्लेस पर रखना होगा, आपको इसे सनलाइट में नहीं रखना है, नहीं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और हाँ, आप इस बॉटल को ओपन करते हो तो आपको ऐसा नहीं कि आपने एक दो बार यूज़ किया और फिर आप इसे रख दिए कि मैं 3-4 महीने बाद यूज़ करूँगी, ऐसा नहीं है। ये जो सीरम है ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा और आपकी स्किन पर रिएक्शन करेगा, तो आप जब भी इसे ओपन करो 1 से 2 मंथ में आप इसे यूज़ करके ख़त्म कर दो। सिर्फ आपका 3 से 4 ड्रॉप में हो जाता है काम करना है, दिन में सिर्फ एक बार। तो मैं इसे प्रेफर करती हूँ यूज़ करना नाइट टाइम पे, मैंने इसे अपने नाइट टाइम की स्किन रूटीन में शामिल किया है। कैप के साथ आता है ये, और एक पंप है इसके अंदर, पहले आपको कैप ओपन करनी होगी, फिर एक पंप मिलता है आपको, एंड देन आप इसे यूज़ कर लो, या फिर डायरेक्ट भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। मीन्स काफ़ी कन्वीनियंट है इसे यूज़ करना, और गिरने का भी कोई चांस नहीं है। आप यूज़ करने के बाद कैप इस तरह से लगा दो, तो काफ़ी ट्रेवल फ्रेंडली है। पैकेजिंग वाइज मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये, और आउटर पैकेजिंग पे भी सब कुछ बहुत ही अच्छे से डिटेल मेंशन किया हुआ है। इसके की इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे से मेंशन किए हुए हैं। तो स्किन टाइप है आपकी, स्किन को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखता है, ना ही ड्राई करता है ना ही ऑयली करता है, तो काफ़ी अच्छे से रहता है। और जब आप इसे अप्लाई करोगे ना, तो लगाने के बाद जब ये एब्जॉर्ब हो जाता है तो आपको बहुत ही अच्छा सा नेचुरल ग्लो मिलेगा आपके फेस पे। काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है कि आपको मस्ट है इसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना। ऐसा नहीं समझिए कि जब आप इसे यूज़ करोगे तो आपको तुरंत ही इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन लगाए या फिर 1 वीक लगाया तो आपको रिजल्ट दिखेगा, नहीं दिखेगा। आपको इसे लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करना होगा। तो जब मैंने इसे अब एक मंथ से ऊपर हो गया इसे लगाते हुए, तो मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, तो वो काफ़ी हद तक इसने फेड किया है। मेरा स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा ग्लो करता है इसको लगाने के बाद, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम जो है वो भी मुझे काफ़ी हद तक मुझे क्लियर होते दिखी है। काफ़ी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट जो है आपको पिगमेंटेशन में, आपको डार्क स्पॉट्स में, ब्लेमिशेस में, टैनिंग जो हो जाती है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपको रिंकल्स से बचाएगा। इसका डेमो करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं इसे यूज़ करती हूँ।
फेस जो है बिल्कुल क्लीन है और मैंने टोनर अप्लाई कर लिया है, तो अब मैं इसे लगाऊंगी। तो मैं इस तरह से इसे और इसे ले लूंगी और 2 to 3 ड्रॉप इनफ है। अच्छे से मसाज कर लूंगी बिल्कुल। और फिर पैट पैट कर लेंगे ताकि ये अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। तो आप देख सकते हैं और 1 से 2 मिनट तक आपको हल्का सा स्टिकी स्टिकी लगेगा, बट थोड़े देर में मीन्स कुछ ही मिनटों में बिल्कुल भी स्टिकनेस जो है वो खत्म हो जाएगी, फिर स्टिकी बिल्कुल नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं मेरे फेस को बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लग रहा है और एक अच्छा सा ग्लो आ गया है मेरे फेस पे। देखा कि किस तरीके से मैं इसे यूज़ करती हूँ, इसे भी अच्छा लगा। ये सीरम से आपको बहुत ही फ़ायदा नज़र आएगा, बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट आपको इसे लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करना होगा। 1 से 2 वीक में आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, ये प्रोडक्ट ऐसा है जो मैं आप लोगों को हाईली हाईली रेकमेंड करूँगी, एक बार यूज़ करना बनता है। और अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि मैं इस प्रोडक्ट को दोबारा लूँगी या नहीं, तो मैं इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली दोबारा से परचेस करना चाहूँगी, क्योंकि डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम किसी नहीं होती है। मेरे पिंपल्स हो ही जाते हैं, फिर पिंपल्स तो मैं किसी तरह ख़त्म कर देती हूँ होममेड DIYs लगा के, बट डार्क स्पॉट्स रह जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, मेरे स्किन पर बहुत ही अच्छा सूट किया। तो मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट करूंगी कि इसे लगाने से पहले आप एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि पैच टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो थोड़ा सा आप प्रोडक्ट लीजिए और आप कहीं पे भी नेक एरिया पे आप एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिए। आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए जिसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो, अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच। और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मुस्कान हैप्पीनेस को और साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले मेरे वीडियोज़ के लिए आप नोटिफाइड रहेंगे और आप लोगों से मेरी कोई वीडियो जो है वो मिस नहीं होगी। सो मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर गाइज़।